अस्सलाम वालेकुम। BSN फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर टॉपिक है हमारे पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इससे पहले दो लेक्चर्स हम कर चुके हैं जिसमें हमने एंटी हाइपरटेंसिव्स और एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ी हैं। उसी सीरीज में हमारे पास थर्ड लेक्चर है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर में, हमने कुछ टॉपिक्स समझने हैं। मेनली आपको आयनोट्रॉपिक पता चले कि आयनोट्रॉपिक का क्या मतलब है, क्रोनोट्रॉपिक का क्या मतलब है और ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद थेराप्यूटिक इफेक्ट्स और थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन एक मेडिसिन है, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है। देन वी हैव डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन बेसिकली क्या होती है। इसके अलावा व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है, कि डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी तो फिर क्या होगा और नर्सिंग रिलेटेड कंसर्न्स क्या हैं रिलेटेड टू द डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी और फिर कुछ डोज और ड्रग्स वगैरह। तो इस चैप्टर को हम तीन हिस्सों पर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो इस चैप्टर का हिस्सा होगा वो होगा कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट समझेंगे रिगार्डिंग हार्ट रिदम्स, हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट में डिफरेंट एरिथमिया क्या चीज़ है और स्पेसिफिकली आयनोट्रॉपिक, क्रोनोट्रॉपिक और ड्रोमोट्रॉपिक का मतलब क्या है। सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे, उसके बाद फिर इस चैप्टर में नेक्स्ट चीज़ आएगी कि आपके पास डाइजॉक्सिन होती क्या है, इसकी फार्माकोडायनामिक्स क्या है, ये किस तरह से काम करती है वगैरह वगैरह। और तीसरी चीज़ फिर आपके पास होगी डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी, कि अगर इन एनी केस डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई तो आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर के तीन हिस्से हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ अ फेलिंग हार्ट, या जिसको आप हार्ट फेलियर कहते हो, ठीक है। सो आपको सबसे पहले ये पता हो कि हार्ट फेलियर क्या चीज़ है। सो वेरी सिंपल इज दैट कि आपके पास जब हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो जाए, जिसको आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हो, कि हार्ट पंपिंग स्टॉप हो जाए और हार्ट इनफ ब्लड ना पंप कर सके टू द ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। देखिए हार्ट का एक ही काम है कि वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और ब्लड को बाहर फेंकते हैं टू द ऑर्गन। अब अगर हार्ट फेलियर है तो इसका साफ मतलब है कि हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, यानी हार्ट जो है वो ब्लड को ऑर्गन्स तक पंप नहीं कर पा रहा, दैट इज अ हार्ट फेलियर। अब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप सफिशियंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड्स हैं, जो बॉडी को ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट अनेबल है कि वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट इज, दो चीज़ें आपने समझनी है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं विच लीड टूवर्ड्स द हार्ट फेलियर। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, सबसे पहली कंडीशन इस्कीमिक हार्ट डिजीज। जाहिर सी बात है इस्कीमिक हार्ट डिजीज क्या है कि हार्ट की जो मसल्स हैं उसको प्रॉपर ब्लड ही नहीं मिल रहा। इसके अलावा वेल्व्यूलर इनकॉम्पिटेंस, आपको पता है हार्ट में चार वेल्व्स होती हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी, कार्डियक। तो अगर आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम है वेल्व्स में, वेल्व की इनकॉम्पिटेंसी भी लीड टुवर्ड्स द हार्ट फेलियर। उसके बाद कार्डियोमायोपैथी, हार्ट के कुछ मसल्स हैं, अगर उस मसल्स में कोई पैथोलॉजी आ जाए दैट वुड बी कॉल्ड कार्डियोमायोपैथी। और मायोकार्डाइटिस, हार्ट के जो मसल्स हैं अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई है, कोई इन्फेक्शन आ गया है, वो भी लीड टुवर्ड्स द हार्ट फेलियर। तो ये तो मेन चीज़ें हो गई। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन कैन ऑल्सो लीड टुवर्ड्स द हार्ट फेलियर। हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन हो, एओर्टिक स्टिनोसिस, अब एओर्टा का इशू है, वहाँ पे भी हार्ट फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। या कंजेनिटल हार्ट डिजीज, पैदाइशी किसी में हार्ट कार्डियोवास्कुलर इवेंट है, कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, इट कैन ऑल्सो लीड टूवर्ड्स द हार्ट फेलियर। एंड देन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफी क्या होती है, हाइपरट्रॉफी सिंपल पैथोलॉजी है, कार्डियक के जो मसल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, लार्जर इन साइज। तो लार्जर इन साइज में क्या होगा, अगर आपके पास फर्ज कीजिए वेंट्रिकल है और बड़ा हो गया मसल, तो बीच में जो एम्प्टी स्पेस है जहाँ ब्लड आना है वो जगह छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड पंपिंग नहीं हो पाती और प्रॉपर हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। सो ये वो सारी वजूहात हैं विच एंड अप इन द हार्ट फेलियर। नाउ रिड्यूस्ड एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एज अ पंप, और वी कैन से रिड्यूस्ड
कार्डियक आउटपुट, ठीक है। हार्ट की फेलियर का सादा सा मतलब है कि कार्डियक आउटपुट इतना कम हो जाता है कि हार्ट एफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर पाता, सो दैट इज व्हाट वी कॉल हार्ट फेलियर। अच्छा, अब कुछ ड्रग्स के हवाले से बात करें तो कुछ होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो डायरेक्टली जाती हैं और हार्ट के ऊपर वर्क करती हैं, और वो करती क्या है, आयनोट्रॉपिक प्रॉपर्टी रखती हैं। आपके मैंने तीन चीज़ें समझाई थी, फर्ज कीजिए आपके पास ये हार्ट है, अब तीन टर्मिनोलॉजीज है जिसको ज़रा समझिएगा। हार्ट है एट्रिया वेंट्रिकल्स, देर इज एन SA नोड, साइनो एट्रियल नोड, यहाँ पे होता है AV नोड, फिर AV नोड से आते हैं कुछ बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अब ये लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, और इस तरह से ऊपर जाती है परकिंजी फाइबर्स, तो ये इसको हम कहते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। एंड जो SA नोड है वो इस तरह से ऑटोमेटिसिटी जनरेट करता है, ठीक है, एंड एंड आप होते हैं AV नोड के ऊपर। अब तीन यहाँ पे चीज़ें आपने समझनी है, सबसे पहले आयनोट्रॉपी। आयनोट्रॉपी क्या होती है, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, दैट इज कॉल्ड आयनोट्रॉपिक इफेक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा है तो पॉजिटिव आयनोट्रॉपी, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है तो नेगेटिव आयनोट्रॉपी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है क्रोनोट्रॉपी। अब ये बेसिकली क्या होती है क्रोनोट्रॉपी, ये होता है हार्ट रेट, ठीक है, और हार्ट रेट का कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। देखिए बात साफ है, हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होता है, वजह क्या है, हार्ट को टाइम चाहिए प्रॉपर फिलअप होने के लिए। देखिए हार्ट को एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है फिल होने के लिए। अब अगर हार्ट रेट बहुत तेज़ है तो यानी बार बार इतनी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है कि हार्ट प्रॉपर फिल नहीं हो पाता और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो हार्ट ब्लड पंप आउट करेगा वो भी कम होगा, तो क्रोनोट्रॉपी होती है हार्ट रेट। अब हार्ट रेट कंट्रोल में है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। और आखिरी चीज़ जो आपके पास ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट है, ये जो आपके पास कंडक्शन है ना, तो इस कंडक्शन में भी कुछ मिली सेकेंड्स लगते हैं, यानी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, चाहे वो मिली सेकेंड्स में है, तो यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट होती है, आती है वेंट्रिकल्स में पहले इस तरह नीचे और फिर इस तरह परकिंजी फाइबर में, तो ये जो वेलोसिटी है कंडक्शन वेलोसिटी, इसको कहते हैं ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। तो इस तरह से तीन प्रॉपर्टीज आपको पता चली, आयनोट्रॉपिक इफेक्ट, क्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट और ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। आयनोट्रॉपिक क्या है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कार्डियक आउटपुट कम। हार्ट रेट जितना ज़्यादा होगा उसके नतीजे में आपके पास कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, और अगर हार्ट रेट कम है तो मतलब प्रॉपर फिलिंग हो रही है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। अच्छा, इसके साथ साथ ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट है, वो भी कंडक्शन वेलोसिटी होती है, तो कंडक्शन वेलोसिटी डिपेंड, ये रिलेटेड है टू द हार्ट रेट। जितनी तेज़ कंडक्शन वेलोसिटी होगी उतना तेज़ वो हार्ट रेट होगा, तो कंडक्शन वेलोसिटी का भी रिलेशन है विद द कार्डियक आउटपुट। अब आपके पास कुछ आती है मेडिसिंस, ठीक है। मेडिसिंस बेसिकली क्या है, आपके पास कुछ यहाँ पे आयनोट्रॉपिक इफेक्ट्स, क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट्स और ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने बात की आयनोट्रॉपिक इफेक्ट की, व्हाट इज आयनोट्रॉपिक इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, सो यू कैन हैव पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक और यू कैन हैव नेगेटिव आयनोट्रॉपिक ऑल्सो। सिमिलरली क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है, क्रोनोट्रॉपिक क्या होता है, आपके पास हार्ट रेट है, तो आपके पास पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट भी हो सकता है। सिमिलरली वी हैव अ ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट, ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट क्या है, कंडक्शन वेलोसिटी, तो कंडक्शन वेलोसिटी कुड बी पॉजिटिव एंड कंडक्शन वेलोसिटी कुड बी नेगेटिव। मुख्तलिफ मेडिसिंस हैं जो पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक रखेंगी या नेगेटिव आयनोट्रॉपिक रखेंगी, जैसे आपके पास डोपामीन है, डाइजॉक्सिन है, ये सारी एपिनेफ्रीन हो गई, ये सारी क्या है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाती हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करवाती हैं, सो दे हैव पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक इफेक्ट। अच्छा, कुछ मेडिसिन हैं जैसे हार्ट रेट को कम कर देना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर देना, लाइक प्रोप्रेनोलोल है, लेबिटालोल है, तो ये क्या है, नेगेटिव आयनोट्रॉपिक इफेक्ट रखते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं। कई कई जगह पे आपको नेगेटिव इफेक्ट चाहिए होता है, जैसे कि आपके पास है फर्ज कीजिए इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, एंजाइना है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, वहाँ पे इस्कीमिक हार्ट डिजीज में हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो आपने क्या करना है, आपने हार्ट का वर्कलोड कम करना है, तो इसलिए आप
नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट भी ड्रग्स देते हो। सिमिलरली क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट में देख लें, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट लाना है यानी कि हार्ट रेट बढ़ाना है, एट्रोपिन दे दें, इसके अलावा थियोफाइलिन दे दें, दे हैव द पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट भी ड्रग्स होती हैं, जैसे आपके पास एसिटाइल कोलिन है, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट रखती हैं। सिमिलर कंडीशंस विद द ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट यानी कंडक्शन वेलोसिटी, आप बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो। फेनिटोइन ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट रखती है यानी कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाती है जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देगा। एंड नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट जैसे कि आपके पास है वेरापामिल, वेरापामिल आपने पिछले लेक्चर में सुना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, मसल्स को सेल्स को कंट्रैक्शन कम करता है, दैट मींस कि वो वेलोसिटी भी कम कर देगा, सो इट हैज अ नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। नाउ गोइंग टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक ड्रग्स, और स्पेसिफिक ड्रग्स में हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज द डाइजॉक्सिन। इस लेक्चर में जैसे हमने कहा तीन हिस्से हैं, तो सबसे पहला हिस्सा हमारे पास हो गया कि आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ में आए। नेक्स्ट हिस्सा होता है डाइजॉक्सिन को, हम इस ड्रग को पढ़ेंगे कि बेसिकली ड्रग क्या है। दिस इज अ लाइफ सेविंग ड्रग, लेकिन ये जहर भी है। डाइजॉक्सिन का बहुत छोटा थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, थोड़ी सी डोज दोगे थेरेप्यूटिक है, जिंदगी बचाता है। मामूली सी भी डोज ज्यादा हो गई ना तो डायरेक्टली डेथ कॉज करता है, तो ये जहर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और लाइफ सेविंग ड्रग भी है, इस वजह से इसको समझना बड़ा जरूरी है। डाइजॉक्सिन ओरल बाय अवेलेबल है, जो आपके पास 75% ओरल बाय अवेलेबिलिटी होती है, हाफ लाइफ इसकी बहुत ज्यादा है 40 घंटे, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट दो दिन, एक डोज दो दिन तक काम कर रही है। अच्छा, सिमिलर ड्रग है डिजिटॉक्सिन, उसकी बायो अवेलेबिलिटी और ज्यादा है, यानी ओरली ड्रग ले सकते हैं 90% से भी ज्यादा है, और 160 आवर्स यानी 5 दिन कर लें, 5 दिन से भी ज्यादा। एंड देन यूबेन भी सिमिलर ड्रग है बट इट इज नॉट ओरली अवेलेबल, तो ये आप आईवी के जरिए ले सकते हैं, ओरल बाय अवेलेबिलिटी इसकी नहीं है। एलिमिनेशन क्या है, यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होते हैं और लिवर के थ्रू एलिमिनेट होते हैं। अच्छा, डाइजॉक्सिन आती कहाँ से, तो ये एक दरअसल प्लांट से आती है, इसको कहते हैं फॉक्स ग्लव, उर्दू में इसको कहते हैं बर्गेलफा, या इसका जो बोटानिकल नेम है दैट इज कॉल्ड डिजिटलिस लेनेटा। ये प्लांट होते हैं, शायद कभी आपने देखा हो, ये इस तरह का जो फूल होता है ना, वेलवेट टाइप फूल होता है, कभी इसके फूल को टच करो जैसे वेलवेट का कपड़ा नहीं होता, बिल्कुल सिमिलर इसका जो टेक्सचर होता है इस प्लांट का, दैट इज कॉल्ड डिजिटलिस लेनेटा, फॉक्स ग्लव इसका कॉमन नेम है जो इंग्लिश में इसको कहते हैं। एक हिस्ट्री है इसकी कि 1775 में दरअसल ये एक साइंटिस्ट थे विलियम, उन्होंने इसको डिस्कवर किया और इसको एडिमा के लिए इस्तेमाल करते थे। एडिमा कहाँ पे, जो ब्लड जो है ऊज आउट होता है इनटू द टिश्यूज और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एडिमा। तो स्टार्टिंग में एडिमा के लिए यूज हुआ, फिर उसके बाद डिस्कवर हुआ कि इसके हार्ट पे भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बड़ा जरूरी है इसको समझना जरा कि इसके मैकेनिज्म को आप जरा समझें। सबसे पहले फर्ज कीजिए आपके पास एक सेल है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, सेल जो रेस्टिंग कंडीशन में है, रेस्टिंग कंडीशन में एट रेस्ट क्या होता है, पोटाशियम और सोडियम की बात करेंगे। एट रेस्ट पोटाशियम बाहर कम है अंदर ज्यादा है, रेस्टिंग कंडीशन की बात हो रही है, सोडियम अंदर कम है और बाहर ज्यादा है, ठीक है, ये रेस्टिंग कंडीशन है। जब कभी भी एक्शन पोटेंशियल आता है, एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, सोडियम गोज इनसाइड और पोटाशियम गोज आउटसाइड, ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल है, जो आप कहते हो डीपोलराइजेशन हो रही है, जैसे मैं हाथ वगैरह हिला रहा हूँ तो ये एक एक्शन पोटेंशियल है। सिमिलर केस विद द कार्डियक सेल्स। अब क्या होता है, आफ्टर डीपोलराइजेशन आप जानते हो कि वापस रिपोलराइजेशन भी होनी होती है, रिपोलराइजेशन के लिए आप एक पंप लगा होता है, पंप वो क्या करता है, वो पोटाशियम को अंदर फेंक रहा है और सोडियम को वापस बाहर फेंक रहा है, तो वी कॉल इट सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। और देखें ये एक्टिव है, यानी कि एक्टिव रोल क्या मतलब, आपको कभी पता हो कि एक होता है एक्टिव एक होता है पैसिव। एक्टिव वो प्रोसेस है जहाँ एनर्जी यूज होनी है, पैसिव वो प्रोसेस है जो विदाउट एनर्जी होता है। ये जो पंप है ना, ये ATP ड्रिवन है, दैट मीन्स इस पंप को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। सो यहाँ पे लिखा है इट हैज एन एक्टिव रोल, एक्टिव मीन्स इट विल रिक्वायर एनर्जी टू पंप पोटाशियम इनसाइड एंड सोडियम आउटसाइड। अब होता क्या है,
जब आपके पास कार्डियक फेलियर है तो कार्डियक फेलियर में जो है सेल्स रिलैक्स्ड हैं, कार्डियक मायोसाइट्स जो हैं, आपने क्या करवाना है, उनको एक्टिव करवाना है, यानी ताकि वो ब्लड पंप करें। एक तरीका हो सकता है कि आप ये पंप ही बंद करवा दो, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप बंद करवा दिया जाए, तो होगा क्या, पोटाशियम वापस अंदर नहीं आएगी, सोडियम बाहर नहीं जाएगी, तो यानी सोडियम अंदर एक्युमुलेट हो जाती है। और सोडियम क्या करेगी, पंप तो वैसे भी ब्लॉक है, सोडियम एक और पंप यूज करती है, दैट इज कॉल्ड सोडियम और कैल्शियम एंटीपोर्ट होता है, सोडियम और कैल्शियम, सोडियम बाहर जाएगी और कैल्शियम अंदर आएगी। जब कैल्शियम अंदर आती है, पिछले लेक्चर्स में भी हमने काफी बार बात की है कि कैल्शियम कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाता है, कैल्शियम। और एक और खास बात, आपको पता है कि हमारे अंदर सेल्स के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम पाई जाती है, वी कॉल इट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहां से भी कैल्शियम रिलीज हो जाती है और बाहर से भी सोडियम के थ्रू कैल्शियम अंदर आ गई, तो दैट मीन्स कार्डियक सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज हो जाती है, और जब कैल्शियम इंक्रीज होती है तो कॉन्ट्रैक्शन आती है। तो इस तरह से हार्ट के जो सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कि ताकि वो कार्डियक आउटपुट बढ़ा सकें और जो आपकी कंडीशन डिवेलप है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो ख़त्म हो जाए। सो दैट इज़ द होल मैकेनिज्म ऑफ डाइजॉक्सिन। ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, इसको समझना है, इसको एक बार 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 सुनिए ताकि आपको क्लियर हो। सबसे पहले क्या हुआ था, नॉर्मली पोटाशियम बाहर कम है अंदर ज़्यादा है, सोडियम बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो जब डिपोलराइजेशन होती है एक्शन पोटेंशियल, सोडियम अंदर आएगा पोटाशियम बाहर जाएगा। नॉर्मली आपकी ड्रग क्या करती है, आपकी ड्रग सोडियम पोटाशियम एटीपीएस को बंद करवा देती है, उसके नतीजे में क्या होगा, पोटाशियम बाहर ठहर जाएगी, सोडियम अंदर ठहर जाएगी, तो अंदर सोडियम ज़्यादा हो गई है। अंदर सोडियम क्या करती है, अंदर सोडियम कैल्शियम को ले आती है, जब कैल्शियम सेल के अंदर आएगी तो आप जानते हो कि कैल्शियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। इस तरीके से कार्डियक सेल्स में कॉन्ट्रैक्टिलिटी आती है, पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट लाती है, डाइजॉक्सिन आयोनोट्रॉपिक ड्रग है, पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवाती है। सो दैट वाज द मेन कंसेप्ट कि पहले आपको आयोनोट्रॉपिक पता हो तो अब डाइजॉक्सिन को उससे रिलेट करवा दें कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स डाइजॉक्सिन हैज पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट। जरा जरूर समझिएगा, आपके एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ से। अच्छा, ये पूरी उसकी डिटेल है फिर कि जब कैल्शियम अंदर ज्यादा हो गई तो कैल्शियम बाइंड करती है ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन सी ये प्रोटीन के फाइबर्स हैं, तो कि ट्रोपोनिन सी से बाइंड करती है, इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होने का मतलब पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक इफेक्ट, एंड देर इज इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है, हार्ट के अंदर भी है, स्मूथ मसल्स के अंदर भी है, तो यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन भी होगी, जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक करेंगी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सो बाय द मैकेनिज्म, अच्छा ये तो एक मैकेनिज्म था डाइजॉक्सिन का, ये एक मैकेनिज्म था, अब दूसरा सुनिए, बाय मैकेनिज्म दैट इज नॉट फुली अंडरस्टूड, ये जो डिजिटलिस है ना प्लांट, ये क्या करता है, वेगल स्टिम्यूलेशन, वेगस नर्व को स्टिम्यूलेट करता है। आप अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा हो ना, वेगस नर्व क्या करती है, फर्ज कीजिए आपके पास है वेगस नर्व है पैरासिंपथेटिक सिस्टम का हिस्सा, और पैरासिंपथेटिक का हिस्सा है तो हार्ट रेट क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, हार्ट रेट को कम करना इज कॉल्ड नेगेटिव कोरोनोट्रॉपिक इफेक्ट। तो जरूरी चीज समझिए कि डाइजॉक्सिन पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक है और नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक है, ये दोनों में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डाइजॉक्सिन पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, क्रोनोट्रॉपिक हार्ट रेट कम हुआ और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई, तो आराम होगा हार्ट को, प्रॉपर फीलिंग होगी, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियक आउटपुट आए और आपके कंप्लीट ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड मिले। सो दैट इज़ हाउ डाइजॉक्सिन इज अ लाइफ सेविंग ड्रग, ऑर्गन को बचा लेता है। सो इन पैरासिंपैथोमिमेटिक एक्शन ऑफ डिजिटलिस क्या करते हैं, साइनो एट्रियल फायरिंग, ठीक है, उसको डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज द हार्ट रेट दैट हैज नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी, रिड्यूसेस द कंडक्शन वेलोसिटी आल्सो, यानी नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपी भी है, ओनली पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक है,
और नेगेटिव क्रोनोट्रोपी, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी। तो आपका एमसीक्यू बन के आ सकता है कि आपको तीन चार ऑप्शंस दी गई होंगी, हर एक ऑप्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव ऑप्शंस होंगी। तो आपकी सही वाली ऑप्शन क्या होगी, जिसमें पॉजिटिव आयनोट्रोपी हो और क्रोनो और ड्रोमो दोनों नेगेटिव हो, सो वो आपकी सही वाली ऑप्शन होती है। इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपके पास ये डिजिटलिस ने इस पंप को ब्लॉक किया है। तो जब ये पंप ब्लॉक हो गया है तो सोडियम अंदर बढ़ गई है, सोडियम अंदर बढ़ गई है तो वो कैल्शियम के साथ एक्सचेंज हो रहा है। कैल्शियम के साथ एक्सचेंज मतलब कैल्शियम अंदर ज्यादा हो गई है, और जब अंदर कैल्शियम ज्यादा हो गई है तो वो ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है और मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्टिलिटी लाता है। वंस अगेन उसी ड्रग को उसी डायग्राम को थोड़ा मजीद एक्सप्लेन किया गया, यहाँ पे मायोफिलामेंट्स हैं जहाँ पे ट्रोपोनिन सी है, तो यहाँ पे जो आपके पास कॉन्ट्रेक्शन है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कॉन्ट्रेक्शन फिजियोलॉजी है सेल्स की। तो सिमिलरली देखेंगे इस पंप को ब्लॉक किया गया विद द डिजिटलिस दैट इज डाइजॉक्सिन, और सोडियम जब अंदर इंक्रीज हुई है तो कैल्शियम को उसने अंदर इंक्रीज किया और कैल्शियम देन लीड टू द कॉन्ट्रेक्टिलिटी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वुड हैपन इफ कैल्शियम वाज गिवन एंड व्हाट वुड हैपन इफ पोटेशियम वाज लो। तो यहाँ पे सोचने की बात है कि देखिए कैल्शियम ऑलरेडी अंदर बढ़ रही है, अगर ज्यादा कैल्शियम बढ़ जाए तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कैल्शियम अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रेक्टिलिटी मजीद बढ़ जाएगी, तो कार्डियक आउटपुट मजीद बढ़ जाएगा। पहले ही सवाल का जवाब ये है। दूसरा सवाल, व्हाट वुड हैपन इफ पोटेशियम वाज लो। पोटेशियम क्या कर रहा है, पोटेशियम इनहिबिटरी इफेक्ट लाता है और पोटेशियम का डिजिटलिस के साथ कंपटीशन भी है। अगर पोटेशियम ज्यादा होगी ना तो डाइजॉक्सिन कम डोज में काम ही नहीं करती, पोटेशियम कम होगी तो डाइजॉक्सिन कम डोज में भी कॉन्ट्रेक्टिलिटी ले आएगा। तो दूसरे का आंसर ये होता है। देन वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजॉक्सिन दैट आर इंक्रीज आयनोट्रोपी दैट मीन्स कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज है, डिक्रीज क्रोनोट्रोपी और आपके पास ड्रोमोट्रोपी भी डिक्रीज है। इसके अलावा नेट्री यूरेसिस सोडियम लॉस है, यानी सोडियम को यूरिन के थ्रू लॉस करवा देता है, एंड इट ऑल्सो हैज न्यूरो हार्मोनल इफेक्ट्स। न्यूरो तो हो गए न्यूरॉन्स के, कुछ हार्मोनल इफेक्ट भी हैं, जैसे कि मैं बताऊं प्लाज्मा नॉरेपिनेफ्रिन वो डिक्रीज हो रहा है। ये नॉरेपिनेफ्रिन वगैरह क्या करते हैं, ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, आपकी डाइजॉक्सिन हार्ट रेट को कम करवा रही है। अच्छा, इसके बाद देख लें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कम हो रहा है। देन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरॉन एक्टिविटी, एल्डोस्टिरॉन से क्या होता है, एल्डोस्टिरॉन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जबकि आपकी डाइजॉक्सिन क्या कर रही है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बंद करवा रही है, सोडियम को यूरिन में एक्सक्रीट करवा रही है। तो यानी रास सिस्टम भी कम और वेगल टोन इंक्रीज है। एज वी ऑलरेडी सेड पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में वेगस नर्व आती है और वेगस नर्व हार्ट रेट को कम करवाती है, जस्ट सिमिलर लाइक डाइजॉक्सिन। तो डाइजॉक्सिन वेगल टोन इंक्रीज करवा रही है और बाकी नॉरेपिनेफ्रिन सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन वो कम हो जाते हैं। सो दैट इज हाउ डाइजॉक्सिन वर्क्स। प्रॉपर्टीज क्या है इसके, गिविंग कैल्शियम वुड ग्रेटली इंक्रीज द इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स, दिस कैन कॉज एरिथमिया। अच्छा, जब कैल्शियम अपनी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी इतनी बढ़ सकती है कि वो नॉर्मल रिदम से एरिथमिया पे भी जा सकता है, पहली बात। दूसरा, लो पोटाशियम लेवल है, लो पोटाशियम लेवल्स होंगे ना तो डाइजॉक्सिन क्या करते हैं, डाइजॉक्सिन सिंस बोथ पोटाशियम एंड डाइजॉक्सिन कम्पीट फॉर द सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, एटीपीएस पंप को डाइजॉक्सिन ने ब्लॉक किया और पोटाशियम भी उसी पंप पे आ रही है, तो अगर पोटाशियम कम होगी ना तो डाइजॉक्सिन ज्यादा इजीली बाइंड कर सकेगी और ज्यादा इजीली पंप को इनहिबिट कर सकेगी, एट द एंड डाइजॉक्सिन कम डोज पे भी अच्छा इफेक्ट देगी अगर पोटाशियम कम है। देन वी हैव द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ डाइजॉक्सिन। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि डाइजॉक्सिन का जो थेरापीटिक इंडेक्स है वो बहुत कम है। अब देखिए, इट इज इन माइक्रोग्राम्स, एक ड्रग होती है मिलीग्राम में, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है 250 मिलीग्राम में आती है, आपके पास पैरासिटामोल है 500 मिलीग्राम में आती है। इसके बरअक्स आप देख लो डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन आपके पास 1.5 मिलीग्राम, 1.5 और 0.5 से ये स्टार्ट हो रही है,
तो यानी कि इतनी कम डोज है, और अगर आप 2.0 मिलीग्राम से बढ़ते हो ना तो इट कैन गो टूवर्ड्स टॉक्सिसिटी, यानी पॉइंट्स का फर्क है। पॉइंट्स थोड़े से कम है तो इफेक्ट अच्छा है, पॉइंट्स थोड़े से बढ़ गए तो टॉक्सिसिटी आ जाती है और जहर बन जाता है। यानी इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है कि हार्ट जो कार्डियक मसल्स हैं वो टोटली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, फिर रिलैक्स होंगे ही नहीं, विच कैन लीड टू डेथ। सो ये थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है। फिर आ जाए एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन क्या है, 60-80% एब्जॉर्प्शन है ओरल, यानी टेबलेट की फॉर्म में ले सकते हैं। अच्छा 70-85% एब्जॉर्ब आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलिक्सर। एलिक्सर क्या होता है बेसिकली, एलिक्सर जो है वो एक लिक्विड सस्पेंशन होती है, लिक्विड फॉर्मुलेशन है जहाँ पे इसमें ज़्यादातर अल्कोहल शामिल होती है। एलिक्सर में अल्कोहल की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तकरीबन 70-80% अल्कोहल होती है एलिक्सर्स में। एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी लग सकता है, बट डाइजॉक्सिन का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन या पेन पेनफुल है, तो नॉट रिकमेंडेड। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डाइजॉक्सिन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी, इवन इट कैन गो टूवर्ड्स द प्लेसेंटा एंड इट कैन एंटर्स द ब्रेस्ट मिल्क ऑल्सो। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स के ना ही आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही जब आप नर्सिंग मदर है तब भी इस्तेमाल ना कीजिए। एंड देन वी हैव द मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन, उसका क्या है कि किडनी के थ्रू ड्रग एलिमिनेट होती है, किडनी के थ्रू। हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, आधे 1.5 दिन से 2 दिन तक हाफ लाइफ है। और अगर किसी का किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं भी कर रहा, इम्पेयरमेंट है, तो मजीद इसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा देर तक काम करती है। देन वी हैव द हाफ लाइफ, लॉन्ग हाफ लाइफ ऑफ डिजिटेलिस। डिजिटेलिस कंपाउंड है ना, डाइजॉक्सिन, जायटॉक्सिन, बाकी जो है, ये काफ़ी लॉन्गर हाफ लाइफ रखते हैं। और स्पेशल कंसिड्रेशन है वेन हाफ लाइफ इज अबाउट 40 आवर्स, यानी 40 घंटों तक की हाफ लाइफ 2 दिन है। डाइजॉक्सिन वुड रिक्वायर सेवरल डेज ऑफ कॉन्स्टेंट डोजिंग टू रीच स्टेडी स्टेट। अब इस बात को जरा समझिए, व्हाट इज अ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। देखिए फर्ज कीजिए ब्लड है, ब्लड में ना एक स्टेडी स्टेट होता है, जब एक ड्रग आप देते हो ना तो ब्लड में एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन आ जाती है। एक स्टेडी स्टेट का मतलब है कि ना उससे बढ़ रही ना उससे कम हो रही है, एक प्रॉपर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है। डाइजॉक्सिन की डोज बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात, डाइजॉक्सिन बहुत लॉन्गर हाफ लाइफ की ड्रग है, तो यानी कि इसके स्टेडी स्टेट लेवल्स मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता, तो बार बार आपको ये डोज देनी पड़ती है ताकि एक स्टेडी स्टेट मेंटेन किया जा सके जो प्लाज्मा लेवल है। सो आप कैसे करते हो कि इनिशिएटिंग अ ट्रीटमेंट विद स्पेशल डोजिंग रिजीम, आप पहले क्या करते हो, लोडिंग डोज देते हो। लोडिंग डोज हमेशा थोड़ी हाई डोज होती है, पहले आप थोड़ी सी हाई डोज दे देते हो और उसके बाद आप लो डोज पे टैबलेट्स वगैरह देना शुरू करते हो। सो इस प्रोसेस को कहते हैं डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन का क्या मतलब है कि डाइजॉक्सिन के एक प्रॉपर डोज को, एक प्रॉपर स्टेडी स्टेट को प्लाज्मा में लेके आना, दैट इज डिजिटलाइजेशन। अब क्या होता है फॉर डाइजॉक्सिन, तो थेरेप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, यानी प्लाज्मा में जो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मेंटेन करना है, दैट इज 0.5 से 1.5, इसको आप कहोगे नैनोग्राम पर एमएल है, पर एमएल इतनी नैनोग्राम होनी चाहिए। ये एक रेंज है जिसको आप थेरेप्यूटिक रेंज कहोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थेरेप्यूटिक प्लाज्मा लेवल्स जो हैं इससे मजीद इंक्रीज ना हो। इवन अगर 2.0 से ऊपर चले गए ना तो दैट कैन कॉज टॉक्सिसिटी। तो बहुत कम रेंज है 0.5 से 1.5, 2.0 या इससे ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैला देते हैं, तो इस वजह से आपको मेंटेन करना पड़ता है इसकी डोज को। इफ द टॉक्सिसिटी अकर्स विद द डाइजॉक्सिन, फिर क्या करते हैं, इट मे टेक सेवरल डेज फॉर प्लाज्मा टू फॉल, क्योंकि काफी लॉन्ग हाफ लाइफ है तो काफी टाइम तक डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी रह सकती है, जिसकी वजह से एरिथमिया कॉज हो जाते हैं। तो यानी कि आप इसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा देर। अच्छा डिजिटलाइजेशन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि इसके प्रॉपर डोजेज स्केजुअल होते हैं। डिजिटलाइजेशन में करना क्या है, आपने एक पेशेंट का एक स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक प्लाज्मा थेरेप्यूटिक लेवल मेंटेन करना है, और वो स्पेसिफिक प्लाज्मा थेरेप्यूटिक लेवल 0.5 से 1.5 नैनोग्राम पर एमएल के बीच में हो। तो आप इसको करते कैसे हो, सबसे पहले क्या है, डाइजॉक्सिन हैज लो थेरेप्यूटिक विंडो, थेरेप्यूटिक विंडो बहुत कम है, दैट मीन्स इफेक्टिव डोज और टॉक्सिक डोज के बीच में चंद एक पॉइंट्स का फर्क है।
बहुत छोटा फर्क है, माइनर फर्क है जो थेरेपी इफेक्टिव डोज यानी थेरेप्यूटिक डोज और टॉक्सिक डोज में है, बहुत मामूली सा फर्क है, नैरो सा है, ठीक है। थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ डाइजॉक्सिन इज 0.5 to 1.5 एडमिनिस्टर्ड इन सच अ वे कि पेशेंट गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट्स और मिनिमल एडवर्स इफेक्ट्स, यानी मोस्ट पेशेंट को ज़्यादा फायदा मिले, नुकसान ना मिले। पहले तो ऐसा होता था कि रैपिड डिजिटलाइजेशन होती थी, यानी आईवी के थ्रू एक बंदे को लोडिंग डोज दी और फिर टैबलेट की फॉर्म में स्लो स्लो देते रहे, लेकिन अब ये प्रॉब्लम, ये प्रोसेस ऑब्सोलीट है, यानी अब ये प्रोसेस इस्तेमाल नहीं किया जाता, अब डिफरेंट है, अब स्लो डिजिटलाइजेशन की जाती है। पहले क्या होता था, रैपिड में आईवी दी जाती थी, यानी इंट्रावीनस आपने डिजिटल डाइजॉक्सिन दी, इट एज एक्सट्रीम मेजर इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया या एट्रियल फिब्रिलेशन है, यानी आपका हार्ट रेट 250-300 से ऊपर है, नॉर्मल हार्ट रेट होता है 60 to 100। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास है, जब आपने दी हाई डोज पे, बाद में आप क्या करते हो, 0.25 mg स्लो आईवी स्टार्ट करते हो, फिर 0.1 mg एवरी आवरली। लेकिन ये पहले इस तरह होता था कि बार बार इंजेक्शन देना है, अब ऐसा नहीं होता। स्लोली डिजिटलाइजेशन कैसे, स्लोली स्लोली आप थेरेप्यूटिक लेवल लेके आते हो, तो डाइजॉक्सिन पहले क्या करते हैं, 0.25 mg देते हो डेली इन द इवनिंग, और इसका फुल रिस्पॉन्स एक हफ्ते में तकरीबन आ जाता है, यानी हर इवनिंग में आप 0.25 mg दे रहे हो, ठीक है। इसके बाद इफ नो इम्प्रूवमेंट है, यानी कि एक प्रॉपर लेवल नहीं आया, तो आप थोड़ी डोज बढ़ा दो, 0.375 पे आ जाओ। वंस अगेन अगर प्रॉपर इफेक्ट नहीं आ रहा फिर भी, तो यानी एरिथमिया है, यानी प्रॉपर हार्ट रेट नहीं मेंटेन हुआ, तो थोड़ी डोज मजीद बढ़ा दो, 0.5 mg आप नेक्स्ट वीक में यूज कर सकते हो, यानी पूरा हफ्ता हर इवनिंग 0.5 mg, ठीक है। और साथ साथ पेशेंट के ब्लड लेवल्स मॉनिटर करो, कहीं ब्रेडिकार्डिया हो गया तो फौरी तौर पर ड्रग को स्टॉप कर लिया जाए, ठीक है। और इसके बाद ओरली भी रैपिड डिजिटलाइजेशन हो सकती है, यानी पहले आपने आईवी के जरिए डिजिटलाइजेशन की थी, ओरली भी रैपिड हो सकता है, जैसे कि 0.5 to 1 mg आप स्टैट डोज दे दो, यानी पहले डायरेक्टली हाई लोडिंग डोज दे दो, उसके बाद 0.25 mg हर 6 घंटे बाद ओरली दे दो, उस लेवल में भी आप विद इन 24 आवर्स जो है डिजिटलाइजेशन कर लेते हो, यानी एक प्रॉपर डाइजॉक्सिन का लेवल मेंटेन कर लेते हो। प्रॉपर लेवल मेंटेन करना क्यों है, क्योंकि आपने कार्डियक को एक स्पेसिफिक रिदम में लेके आना है, ताकि प्रॉपर कार्डियक आउटपुट आए और बार बार एरिथमिया ना हो, इस वजह से आपको एक प्रॉपर डोज मेंटेन करनी पड़ती है। अच्छा, ड्रग इंटरेक्शंस याद रखें कि डाइजॉक्सिन के बड़े सीवियर ड्रग इंटरेक्शंस हैं, तो कभी भी जो एरिथमिक ड्रग्स हैं, क्विनिडीन हो गई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इसके अलावा एनसेड्स हैं, एमियोड्रोन है, डायूरेटिक्स है, और इन इन ड्रग्स के साथ डाइजॉक्सिन मिला के कभी ना दें, क्योंकि ये क्या करेंगे, डाइजॉक्सिन के लेवल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, और डाइजॉक्सिन के डिस्टर्ब लेवल्स एक इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की या नैरो थेरेप्यूटिक विंडो की ड्रग है, थोड़ी सी भी टॉक्सिसिटी नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इन तमाम ड्रग्स को जो यहाँ पे जिक्र किया गया है ना, इनके साथ आप एक साथ डाइजॉक्सिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर किसी को हाइपोकैलेमिया है, तो हाइपोकैलेमिया में भी डाइजॉक्सिन के जो लेवल्स हैं कम देने पड़ते हैं, कम डोज देनी पड़ती है, या फिर साथ में पोटाशियम भी देना पड़ता है। और अगर बंदे को हाइपरकैल्सीमिया है, इट कैन लीड्स टू टॉक्सिसिटी, सीवियर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ला सकता है, उस लेवल में भी फिर आपको जो डाइजॉक्सिन की जो डोज है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है, वरना एरिथमिया हो जाता है। थेरेप्यूटिक यूजेस, हार्ट फेलियर ऑब्वियसली, उस वक्त से बात हो रही है हार्ट फेलियर की, हार्ट फेलियर को एक बार फिर रिपीट करवाऊँ, हार्ट का फंक्शन है टू पंप द ब्लड टू द ऑर्गन, अगर हार्ट कैन नॉट पंप द ब्लड टू द ऑर्गन और इट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। तो आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना है, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट हो, इजेक्शन फ्रैक्शन यानी एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड निकलता है, दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन, वो हो। अच्छा, प्री लोड कम करना है, ठीक है, हार्ट के ऊपर जो वीनस रिटर्न है वो थोड़ा कम हो, और पल्मोनरी कंजेस्शन अगर हो रही है या एडिमा हो रहा है वो भी डिक्रीज हो। अच्छा, डाइजॉक्सिन को एरिथमिया में भी यूज कर सकते हैं, ये क्या करते हैं, एवी नोड कंडक्शन, कंडक्शन वाज कॉल्ड एज ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट, तो ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट इज डिक्रीज्ड ऑब्वियसली बाय द ड्रग। इसके अलावा एट्रियल फ्लटर है या फिब्रिलेशन है, दैट इज हार्ट रेट, एट्रियल फ्लटर जो होता है ना, इसमें तकरीबन 300
पर मिनट हार्ट रेट होता है, और फिब्रिलेशन है तो इवन 500 पर मिनट हार्ट रेट होता है। एज यू नो आपकी डाइजॉक्सिन नेगेटिव, आपके पास क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट रखती है, नेगेटिव हार्ट रेट कम करती है, तो डाइजॉक्सिन कैन बी ऑल्सो यूज इन एरिथमिया एज वेल। उसके बाद है डाइजॉक्सिन एंड एक्सरसाइज। तो ये क्या होता है, डाइजॉक्सिन है शोज टू इंक्रीज द एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। देखिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना तो आपके पूरी बॉडी के मसल्स यूज हो रहे हैं, तो जब पूरी बॉडी के मसल्स यूज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो ब्लड को प्रॉपरली टुवर्ड्स द ऑर्गन जाना चाहिए। सो डाइजॉक्सिन क्या कर रही है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती है, सो उसकी वजह से आपकी जो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर हो जाती है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनको हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम है या रिस्क फैक्टर पे हैं। दूसरी बात, डाइजॉक्सिन उन लोगों में कोई फर्क नहीं करती जो नॉर्मल है, यानी नॉर्मल लोगों में ऑलरेडी ब्लड फ्लो बेहतर है तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखिए जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स में एक इशू है कि एथलीट्स होते हैं डिहाइड्रेटेड, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनका वाटर इनटेक कम है, तो एथलीट्स को डिहाइड्रेशन होती है, साथ में रिस्क पे होते हैं किडनी फेलियर के, ठीक है, फ्रॉम द डिहाइड्रेशन। वहाँ पे फिर नुकसानदेह साबित हो सकती है अगर आप डाइजॉक्सिन दे रहे हो एथलीट्स को, ठीक है, इससे क्या होता है कि डिहाइड्रेशन रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ डाइजॉक्सिन। तो अगर डाइजॉक्सिन एक्यूमुलेट कर जाए ना, उससे क्या होगा कि हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी इतनी मजीद बढ़ जाती है कि वो एरिथमिया में चला जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से फिर वो रिलैक्स नहीं हो पाता और इट कैन कॉज सीवियर रिजल्ट्स। तो एथलीट्स में डाइजॉक्सिन जो है वो बड़ी कॉशियसली यूज की जाती है। एडवर्स इफेक्ट्स आ जाएं, जस्ट लाइक एवरी अदर ड्रग, डाइजॉक्सिन के एडवर्स इफेक्ट है कि वो अगर ब्रेन में चली जाए तो फैटीग है, हेडेक कॉज कर सकती है, वीकनेस कॉज कर सकती है, आईज में देखिए ब्लर्ड विजन है या येलो और ग्रीन विजन आता है आईज में, एरिथमिया कॉज हो सकता है एज एन एडवर्स इफेक्ट, स्पेसिफिकली ब्रेडिकार्डिया कॉज हो सकता है, ईसीजी चेंजेस आ सकती हैं, एज यू नो दैट कि वो क्या करता है बेसिकली नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट रखता है, तो ए वी ब्लॉक हो सकता है, एस ए ब्लॉक हो सकता है, तो ये एज एन एडवर्स इफेक्ट है, यानी साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट। जी आई टी के ऊपर इसके इफेक्ट्स हैं, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स कॉज है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स के लेवल डिक्रीज करवा दे, या मेटाबॉलिक इवेंट्स हैं लाइक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, ऐसा आप जानते हैं कि पोटाशियम लेवल भी कम कर रहा है, सोडियम को भी रीअब्सॉर्ब होने नहीं देता, तो सोडियम की भी नेट्री यूरेसिस करवाता है, सोडियम को यूरिन में एक्सक्रीट करवा रहा है, तो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस इसके साथ हो सकता है, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के जब लेवल्स इंक्रीज हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं विद द डाइजॉक्सिन। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन द केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा वेंट्रिकुलर एरिथमिया, जिन लोगों को वेंट्रिकुलर एरिथमिया है ऑब्वियसली वहाँ पे भी आप ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ए वी ब्लॉक, एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉकेज अगर कहीं पे है तब भी आपके पास ये ड्रग नहीं दी जा सकती। और अल्कोहल इनटॉलरेंस है, तो मैंने जैसे पहले कहा था एलिक्सर क्या होता है, एलिक्सर ऐसे जो फॉर्मुलेशन है जहाँ पे अल्कोहल बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट अल्कोहल इंटॉलरेंस, अल्कोहल बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो डाइजॉक्सिन इन द फॉर्म ऑफ एलिक्सर नहीं दे सकते। देन डिफरेंट कंडीशंस है जहाँ पे आपको मोहतात रहना पड़ता है, जैसे हाइपोकैलेमिया है, अब पोटाशियम ऑलरेडी कम है तो इट कैन कॉज डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। फिर हाइपर कैल्शियमिया, कैल्शियम भी ज़्यादा है, डाइजॉक्सिन भी कैल्शियम को बढ़ा रहा है, इट कैन ऑल्सो कॉज टॉक्सिसिटी। फिर हाइपोमैग्नीशियमिया, दैट कैन ऑल्सो लीड टू डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अच्छा, डायूरेटिक्स का यूज़ है, एक वजह तो ये है कि डाइजॉक्सिन आपके पास नेट्री यूरेसिस करवा रहा है और पोटाशियम को भी कम कर रहा है, अब अगर आप डायूरेटिक्स भी यूज़ कर लोगे तो मजीद वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा, तो वो बहुत सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की तरफ बंदा जा सकता है, और हाई डोज पे तो इवन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, रिनल इम्पेयरमेंट भी कर सकता है, तो डोज डिक्रीज करनी पड़ती है, रिनल इम्पेयरमेंट है ना तो डोज कम रखनी पड़ेगी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो डोज कम रखनी पड़ती है, ओबेसिटी है तो फिर क्या करना पड़ता है, बॉडी वेट के हिसाब से जो है आपको ड्रग जो है कैलकुलेट करके देनी पड़ती है। जेरियट्रिक्स, ओल्ड एज में जो लोग हैं, जेरियट्रिक्स में जो लोग हैं जो ओल्ड एज के हैं, वेरी सेंसिटिव टू द टॉक्सिक इफेक्ट्स, तो
बड़ी उम्र के लोगों में डोज कम रखनी पड़ती है वरना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स यानी बच्चे, छोटे बच्चों जो नियोनेट्स वगैरह हैं उनमें भी आपको अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो बड़ा कॉशियसली यूज़ करना पड़ता है फीटस वगैरह में। एंड देन वी हैव लैक्टेशन, एज वी ऑलरेडी टोल्ड दैट कि डाइजॉक्सिन पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो लैक्टेटिंग अगर मदर्स हैं तो वो भी मोहतात रहे कि अगर ब्रेस्ट मिल्क में जो है आपकी ड्रग आती है तो वो बच्चों में भी जा सकती है। नाउ इज द थर्ड पार्ट ऑफ, नेक्स्ट इज डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ये इस लेक्चर का थर्ड हिस्सा है। जैसे हमने बात की कि ये पूरा चैप्टर जो है वो तीन हिस्सों पे डिवाइडेड है। पहले हिस्से में आपने बेसिक कंसेप्ट समझे हैं जिसमें पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक, व्हाट इज क्रोनोट्रॉपी, व्हाट इज हार्ट फेलियर, ये समझा था। नेक्स्ट में हमने एक डाइजॉक्सिन की प्रोफाइल स्टडी की और अब थर्ड पार्ट है डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी। सो लोगों को टॉक्सिसिटी होती क्यों है? सबसे पहले तो जो लोग क्रॉनिक यूजर्स हैं यानी जो कार्डियोवास्कुलर इवेंट के रिस्क पे होते हैं उनको डाइजॉक्सिन प्रेस्क्राइब की जाती है, तो 50% लोगों वो हैं जिनको डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है, या तो डोज मिस कर जाते हैं या वो डबल डोज ले लेते हैं। अच्छा, 10% एक्सीडेंटल चांस होता है, गलती से जो है डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है, ज़्यादा डोज ले ली है। और 40% वो केसेस हैं जो सुइसाइडल अटैम्प्ट हैं। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि डाइजॉक्सिन जहर भी है और दवाई भी है, तो जहर कैसे है? हाई डोज पे ले लो ना, हार्ट इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि फिर वो रिलैक्स नहीं होता कि उसमें ब्लड आए, तो जहर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है डाइजॉक्सिन। तो 40% जो इसके केसेस हैं वो होता है सुसाइडल है, और ये बहुत हाई परसेंटेज है, 40% कम नहीं है। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड डाइजॉक्सिन लेवल? दैट इज 0.5 to 1.5 नैनोग्राम पर ml, ठीक है। और इवन 2 ग्राम से भी बढ़ गया ना, 0.5, इतना छोटा डिफरेंस, 0.5 बढ़ा दो सिर्फ, इट कैन लीड टू डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। और मजीद बात ये कि अगर पेशेंट को इस दौरान हाइपोकैलेमिया है तो मजीद डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी सीवियर होगी, और इन एनी केस हाइपरकैल्सीमिया है तो मजीद इसको जो है चांसेस सीवियर हो जाते हैं। तो खुदकुशी करने का मतलब ये बड़ा अच्छा है कि आप डाइजॉक्सिन दूध के साथ ले लो, तो खुदकुशी भी हो जाएगी और कैल्शियम लेवल भी ज़्यादा रहेगा, तो आसानी से हो सकती है खुदकुशी। देन द प्रेजेंस ऑफ हाइपरकैलेमिया, अच्छा किसी बंदे की हाइपरकैलेमिया, केले ज़्यादा खा लिए तो पोटाशियम बढ़ गया है, उसमें क्या होता है? हाइपरकैलेमिया में जो आपके पास पोटाशियम है, अब पोटाशियम ज़्यादा होगी ना तो डाइजॉक्सिन थोड़ा कम असर करता है, ठीक है, क्योंकि पोटाशियम कम्पीट कर रहा है। पोटाशियम आपको पता है पोटाशियम खुद एक जहर के तौर पर काम कर सकता है। पोटाशियम वैसे 4 मिली इक्विलेंट्स होता है, 4 तक या 4.5 तक, ठीक है। आप कह सकते हो ओवरऑल पोटाशियम अगर 5 से कम है तो मॉर्टेलिटी के चांस नहीं है, मरता नहीं है बंदा, लेकिन पोटाशियम अगर 5 से बढ़ गई, 5 या 5.5, तो 50% चांसेस हैं कि क्या हो सकता है, मॉर्टेलिटी हो सकती है। और अगर 5.5 से भी बढ़ गया तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, इतनी ज़्यादा है कि बंदा फिर कार्डियक अरेस्ट में जाता है और मरता है। तो डाइजॉक्सिन के साथ अगर केले भी खा लिए और दूध भी पी लिया, यानी केलों का मिल्कशेक और डाइजॉक्सिन, तो ज़्यादा अच्छा होता है खुदकुशी करने के लिए। एरिथमिया कैन अकर ड्यू टू डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यानी डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी में ब्रेडी एरिथमिया भी हो सकता है और टैकी एरिथमिया भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस हैं। इंसान को ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है और टैकीकार्डिया भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस आती हैं। और स्पेसिफिकली देखा जाए बाई डायरेक्शनल वेंट्रिकुलर एरिथमिया, बाई डायरेक्शनल है ये, जब आप एरिथमिया का जब चैप्टर हम पढ़ेंगे ना एंटी एरिथमिक ड्रग्स, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगी कि रिदम क्या है, नॉर्मल रिदम PQRST जो है, और एबनॉर्मल रिदम क्या होता है। साइंस एंड सिम्टम्स, एज वी ऑलरेडी सेड, डाइजॉक्सिन की वजह से ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया दोनों हो सकती हैं, फटीग हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग एबडोमिनल पेन, हेडेक, डिजीनेस यानी चक्कर आना, कन्फ्यूजन्स, डिलीरियम एंड हेलुसिनेशन। डिलीरियम क्या होता है? कन्फ्यूजन तो वैसे ही कि यू कैन नॉट डिसाइड। डिलीरियम होता है कि वेजो मोटर एक्टिव, हाइपर मोटर एक्टिविटी, यानी आपका जो मोटर सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, हम हाथ पैर चला रहे होते हैं, किसी को मार रहे होते हैं। हेलुसिनेशंस क्या है? हेलुसिनेशन यू कैन से कि आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं।
और येलो विजन यानी कि आंखों पे भी इसका असर आता है, ज़ेनथोक्सिया कहते हैं। ट्रीटमेंट पे आते हैं। सबसे पहले आप अगर डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है, चाहे एक्सीडेंटल है चाहे सुसाइडल है, हाउ डू यू ट्रीट इट? सबसे पहले तो गैस्ट्रिक लिवाज है, ओरल ली गई है ना, तो गैस्ट्रिक लिवाज करवा दें। वो क्या होता है, जो मेडिसिन आई है उसको एक्सक्रीट करवा देते हैं। देन अगर चारकोल अवेलेबल है, चारकोल दे सकते हैं, कोलेस्टायरामीन दे सकते हैं। वो क्या करता है, चारकोल ड्रग को अपने साथ बाइंड करवा लेते हैं और फिर चारकोल आप बाहर निकाल लेते हो, तो जो स्टमक वॉश हो जाता है। फिर आपके पास है, अगर ब्रेडीकार्डिया हो रहा है यानी पेशेंट का हार्ट रेट बहुत कम हो रहा है, तो आप जाहिर सी बात है लाइफ से भी ड्रग में आपके पास एट्रोपिन अवेलेबल होगी, एट्रोपिन दे सकते हैं। हाइपोकेलीमिया है, पोटाशियम के लेवल्स कम है ना, तो पोटाशियम के लेवल क्या करते हैं, पोटाशियम के लेवल्स जो है वो डाइजॉक्सिन को मजीद बढ़ा रहे हैं, तो आप पोटाशियम दे सकते हो डायरेक्टली इंजेक्शन में, पोटाशियम आती है वो सोल्यूशन वगैरह में मिला के। देन वी हैव हाइपरकेलीमिया। हाइपरकेलीमिया क्या है, पोटाशियम खुद अगर 5.5 से बढ़ जाए तो कार्डियक अरेस्ट करवा देती है। एंड देन वी हैव एंटीडोट ऑल्सो। एंटीडोट इसका होता है एंटीबॉडी है, डाइजॉक्सिन की एंटीबॉडी दे सकते हैं आप। अच्छा, द एंटीबॉडी ऑफ डाइजॉक्सिन इज कॉल्ड डिजीबाइंड। ठीक है, डिजीबाइंड क्या करती है, ये डाइजॉक्सिन को बाइंड करती है। सो एंटीबॉडी है टू अटैक और टू बाइंड द डाइजॉक्सिन। ठीक है, इंडिकेशन क्या है, डाइजॉक्सिन स्पेसिफिक फैब फ्रेगमेंट्स होते हैं दैट आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, सबसे पहले तो अगर डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है आप ये दे सकते हो। अगर लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया होते हैं ड्यू टू द डाइजॉक्सिन, वंस अगेन यू कैन यूज दोज एंटीबॉडीज। सिवियर ब्रेडिकार्डिया है, यानी आपके जो हार्ट लेवल है, हार्ट रेट बहुत कम हो गया है, यू कैन गिव एट्रोपिन, साथ में अगर आप डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी है तो एंटीबॉडीज दे सकते हैं। फिर पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो आपके पास है, अगर 5 या 5.5 से बहुत ज़्यादा हो गई है, ओवरडोज है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये आप एंटीबॉडीज यूज कर सकते हैं। अच्छा, प्लाज्मा डाइजॉक्सिन कंसंट्रेशन अबव 10 नैनोग्राम या 13 नैनोमोल पर लीटर है, रिगार्डलेस ऑफ द क्लिनिकल स्टेटस जो है आप ये ड्रग यूज़ करते हैं, क्योंकि इतनी बहुत ज़्यादा हो गई है, 10 नैनोग्राम पर एमएल काफ़ी ज़्यादा है। फिर देन आपने इंजेस्ट की है, यानी कि आपने खुद से इनटेक की मोर देन 10 मिलीग्राम्स ऑफ डाइजेस्टिव, इतनी ज़्यादा अगर आपने इंजेस्ट कर ली है मर्दों में या बच्चों में, मोर देन 4 मिलीग्राम्स, तो आपको मिलीग्राम पता है ना, 0.5 to 1.5 मिलीग्राम की डोज है, यहाँ 10 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम की बात हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा है, तब भी आप ये डिजीबाइंड इस्तेमाल करते हैं। एंड देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी रिदम, यानी डाइजॉक्सिन की वजह से चाहे ब्रेडिकार्डिया हो या टैकीकार्डिया हो, उस लेवल पे भी डिजीबाइंड इस्तेमाल करते हैं। नर्सिंग केयर रिलेटेड टू डाइजॉक्सिन, अब फर्ज कीजिए आपके पास कोई केस आई है, आप ड्यूटी पे हैं और आप किस तरह से एक पेशेंट मॉनिटर करते हैं, सबसे पहले तो उसकी पल्स चेक करते हैं फॉर 1 full minute, उससे आपको पता चल जाता है कि हार्ट रेट क्या है। सो इफ हार्ट रेट इज बिटवीन 60 and 100, दैट इज अ नॉर्मल, लेकिन डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी में ऑब्वियसली हार्ट रेट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और 60 से कम भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर आप टाइम टू टाइम मेजर करते हैं जिन लोगों को आईवी में डाइजॉक्सिन जा रही है। फिर उसके बाद जो है ईसीजी टाइम टू टाइम की जा रही है, आफ्टर एवरी 6 hours ईसीजी चेक कर रहे हैं। एंड टीच द पेशेंट टू टेक पल्स एंड कॉन्टेक्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अगर किसी पेशेंट का घर पे 60 से बीपी कम हो रहा है या 100 से हार्ट रेट बढ़ रहा है, देन ही कैन कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल सिखाया जाए। इसके अलावा साइंस एंड सिम्टम्स आप कॉन्स्टेंटली चेक करते रहिए जिन लोगों को टॉक्सिसिटी हुई है। इसके साथ साथ जैसे लोगों को एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती, नॉजिया, वोमिटिंग और विजुअल डिस्टर्बेंसेस हैं, यानी कि कभी येलो ज़ेनथोक्सिया जिससे जिस तरह से है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, एरिथमिया हो रहे हैं, तो टाइम टू टाइम उनके साइंस एंड सिम्टम्स आप मेजर कीजिए। साथ में साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी अगर सीवियर नहीं है तो डाइजॉक्सिन डिसकंटिन्यू करवा दें। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज आती है, ऑलरेडी वी सेड कि डाइजॉक्सिन की वजह से सोडियम नेट्रोयूरेसिस हो रही है, पोटाशियम के लेवल्स कम हो रहे हैं, कैल्शियम बढ़ रही है, तो टाइम टू टाइम इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज भी चेक करें। साथ में जो है पोटाशियम आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं, अगर पोटाशियम के लेवल्स बिटवीन 4.0 एंड 5.5 हैं,
यानी अगर पोटाशियम के लेवल जो है नॉर्मल पे है तो आप डाइजॉक्सिन के लिए पोटाशियम भी साथ में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ईसीजी को मॉनिटर करें टाइम टू टाइम, क्योंकि वो एरिथमिया में ईसीजी आप मॉनिटर की जाती है। इसके साथ साथ डिजीबाइंड विच इज़ द एंटीबॉडी ऑफ द डाइजॉक्सिन। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं था कि डाइजॉक्सिन की एंटीबॉडी करती क्या। देखिए, एंटीबॉडी इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, लाइट चेंज और हैवी चेंज होती हैं, तो ये जाती है डाइजॉक्सिन के मॉलिक्यूल के ऊपर और डायरेक्टली डाइजॉक्सिन को बाइंड करती है और पंप से उसको खींच लेती है, तो पंप फ्री हो जाता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप फ्री हो जाता है इस तरह से। तो एंटीबॉडीज डायरेक्टली ड्रग को बाइंड करती हैं, तो इस तरह से ये काम कर रही है और फिर वो किडनी के थ्रू डाइजॉक्सिन को एक्सक्रीट करवा देती है। साथ में साइंस एंड सिम्टम्स चेक करें डिजिटलिस टॉक्सिसिटी के और पेशेंट को नोटिफाई करें और इस तरह से वो किसी भी कंडीशन में हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कॉन्टैक्ट कैसे करता है। दैट वॉज ऑल अबाउट द थर्ड लेक्चर ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सीरीज। सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव, फिर एंटी एंजाइनल और अब हमने बात की कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की। इस सीरीज का लास्ट लेक्चर फिर आपके पास होगा एंटी एरिथमिक ड्रग्स। दैट्स ऑल।